और मैं अभी कैमरे से ऑलमोस्ट 10-20 मीटर की दूरी पे आ जाऊँ। डायरेक्ट कैमरा ऐप में ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। आज आप लोग लेके आए प्रोडक्ट जो कि एक वायरलेस माइक्रोफोन है, जो कि आप मोबाइल कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो मोबाइल से व्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। गोप्रो वगैरह है मेरे पास और ये वन प्लस के डिवाइस में सपोर्ट करता है कि नहीं वो भी देखेंगे। मैं फिलहाल जो शूटिंग कर रहा हूँ आईफोन से कर रहा हूँ, आईफोन 13 प्रो मैक्स, इसमें भी सपोर्ट करता है ना ये, वो भी देखेंगे। तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि ये गोप्रो में सपोर्ट करता है कि नहीं, एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है कि नहीं, एंड आईफोन में सपोर्ट करता है कि नहीं। तो तीनों चीज़ें इस वीडियो में पता चलेगी। खोल के देखते सबसे पहले, ऑलरेडी मैं इसको खोला है जब ये आया था, तो क्योंकि मुझे लगा था छोटा सा पैकेट ये पक्का माइक है या नहीं, तो मैंने इसको ऑलरेडी थोड़ा सा खोल के देख लिया था, बस इतना ही खोला था। सो ये आप देख सकते हो, ये माइक मिलता है और सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ। सो एज ऑफ नाउ सब कुछ आप देख सकते हैं चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे माइक बना हुआ है, ये आपको अडैप्टर मिलता है जो नीचे लगाना पड़ेगा, और लाइव शो के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू, व्लॉग, शॉर्ट वीडियोज़, और वाईफाई का कुछ साइन बना हुआ है। सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और ये जो ब्रांड है इसका नाम है K8, और इस साइड देखेंगे तो क्या लिखा है, फॉर टाइप सी फॉर आईफोन्स, टाइप सी आईफोन्स एंड V8, आई डोंट नो ये V8 क्या होता है, बट चेक कर लेंगे क्या होता है। पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको और चीज़ें मिल जाती है, प्लग एंड प्ले। तो आपको इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप मोबाइल में लगाओ और ये इट्स गुड टू गो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। हाई सेंसिटिविटी यार, मेरे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बैकग्राउंड जो नॉइस है वो पिकअप करता है कि नहीं, तो वो भी मैं चेक करके आपको बताऊँगा अभी। एंड वाइडली कंपैटिबिलिटी, इस साइड देखेंगे तो लाइव शो, ये जो सामने लिखा था वो लिखा हुआ है, ऊपर साइड कुछ भी नहीं है। सो इसको खोल के देखते हैं और कैसा है ये प्रोडक्ट, क्या है। ओके, तो ये आपको चीज़ें मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईफोन का आपको यहाँ पे एक अडाप्टर मिल जाता है जो कि टाइप सी कन्वर्टर है, यहाँ से टाइप सी, और यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। ये आप देखेंगे साइड में, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये आपके मोबाइल में जाएगा, रिसीवर है ये, और जो अपना मेन माइक्रोफोन है वो ये है। तो बेसिकली ये आपको ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है। इस साइड में क्या मिल जाता है, ऑब्वियसली कुछ USB वगैरह होगा, अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये अपना USB शायद से, करेक्ट, तो ये आपको टाइप ए से टाइप सी आपको USB मिल जाता है। और अगर नीचे देखेंगे तो एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें भाई सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है यार। अच्छा, ओके, यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल जाता है, यूज़र मैनुअल, तो कहाँ पे किसको क्या कैसे कनेक्ट करना है। कोई बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, बस चार्जिंग, इसको चार्ज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये भी टाइप सी से ही चार्ज होता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि सब कुछ टाइप सी दिया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले मेरे पास ये वन प्लस का डिवाइस है और देखते हैं इसमें कनेक्ट होता है कि नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी मैंने इसको आईफोन में टेस्ट किया, आईफोन में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे यहाँ पे लगा देना है, ये आपने लगाया, यस, यहाँ से लाइट दिख रही है, ठीक है, ये ब्लिंक हो रही है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको पावर ऑन करना है। तो माइक के पीछे आपको यहाँ पे एक पावर बटन मिल जाता है, इसको अपन चालू करेंगे, तो ये ग्रीन हो गया है एंड ये कनेक्ट भी हो चुका है। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे मोबाइल में एक डायरेक्ट कैमरा ऐप में ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ओपन कैमरा, ये ओपन कैमरा, ये वाला आप इंस्टॉल कर लो ऐप। अब क्या है, इसमें आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स को आपको एक्सटर्नल माइक में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? आप डिफॉल्ट कैमरे में मत जाओ, आप डिफॉल्ट कैमरे में जाओगे, वन प्लस का डिफॉल्ट कैमरा है, इसमें नहीं, आप ओपन कैमरा में जाओ, ओपन कैमरा से आप रिकॉर्डिंग करो, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग करो सारी, तो फिर आपका ये जो है पूरा क्या बोलते हैं माइक से इनपुट लेगा और आपके ऑडियो बिल्कुल बहुत क्रिस्पी क्लियर एकदम बढ़िया से आएंगे। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं फिलहाल कैसा ऑडियो आ रहा है, आईफोन से कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड में तो ये हो रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुकी है। तो अब इसको आईफोन में कनेक्ट कर, बाहर चलते हैं घर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और फिर उसके बाद चेक करते हैं इसको। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है एंड माइक मेरे हाथ में है, एंड आई एम श्योर आपको आवाज़ काफ़ी अच्छे से आ रही होगी क्योंकि कनेक्टेड दिखा रहा है मुझे तो। एंड आई थिंक कि काफ़ी फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करें आईफोन के, एंड रिसीवर आईफोन में लाइट थ्रू लाइटनिंग केबल मैंने लगाया हुआ है। एंड लेट मी नो हाउस दी क्वालिटी। और मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, सोसाइटी में नीचे आया हूँ मैं, वहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे सब बहुत सारे सोसाइटी वाले बुढ़े लोग रहते हैं, तो वो बोलेंगे भाई क्या कर रहा है ये। तो मैं सोसाइटी के एकदम पीछे आ चुका हूँ यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, और मैं अभी कैमरे से ऑलमोस्ट 10-20 मीटर की दूरी पे आ चुका हूँ। तो अगर यहाँ तक भी कैच कर रहा है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप कैमरे को सेट कर सकते हो एंड इसके थ्रू बहुत अच्छा एक ऑडियो क्वालिटी ले सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट एक बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट अगर करना चाहते हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ आईफोन के डिफ़ॉल्ट कैमरे में जो कि है इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एक काम करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है?
तो एडिटिंग करते टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि इसका जो डिफ़ॉल्ट जब मैंने माइक बंद किया था तो वो ऑडियो कैप्चर ही नहीं हुई, तो आईफोन की ये अभी डिफ़ॉल्ट वीडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है जो आपको सुनाई दे रही है। आई एम श्योर अब मैं जैसे पीछे जाऊँगा ना आपको सुनाई देना कम होता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है, वायरलेस वाला। तो चलते हैं पीछे, आवाज़ आपको नहीं आएगी अच्छी। अभी मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो ये है इसकी डिफ़ॉल्ट इंटरनल माइक्रोफोन आईफोन का, बट एनी डे एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स बेटर होते हैं। 700 रुपये दो और ये वाला माइक खरीद लो जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये कनेक्ट हो चुका है बागेन। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा एक अच्छा चीज़ है ये। इसका क्लिप मैं बोलूँगा थोड़ा लूज है और टाइट हो सकता था, बट आई डोंट थिंक 700 रुपये में इससे अच्छा आपको कुछ भी मिल सकता है यार। लिटरली बोल रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, आप इसको शर्ट में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा हुआ रेट, क्योंकि एकदम मुँह के साथ पास रख के बोल रहा हूँ मैं इसको। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन बाय। आँख बंद करके लिंक जो उसका खरीदने का है ना डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो जस्ट गो बाय इट। बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हो एक अच्छा कंटेंट बना के बनाने का, व्लॉगिंग स्टार्ट करने का, तो 700 रुपये इसके स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ आपको बताऊँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये है कि इसका जो ये माइक है डायरेक्ट वन प्लस की डिफ़ॉल्ट कैमरा से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन रियलमी ओप्पो वीवो रेडमी ये सबसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। बस वन प्लस का ही नाटक है, तो उसके लिए आपको ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। ये मुझे बताना था, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपको ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, तो जस्ट गो बाई दिस यार। बहुत 700 रुपये में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली है ये। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि जस्ट ले लो इसको जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको तो ले लो आप, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ले लो। बाइक में जाता हूँ पीछे, एंड यहीं से वीडियो ख़त्म करता हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही कंटेंट्स के लिए। अभी बहुत अच्छा ट्रैवल ब्लॉग आने वाला है, इसीलिए मैंने माइक्रोफोन मिलवाया, क्योंकि मैं बढ़िया से घूम सकूँ और अच्छी एक ऑडियो क्वालिटी मिली। वीडियो तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, मेरे पास GoPro है, मेरे पास आईफोन है, बट ऑडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बोलूँगा जो क्या बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, राइट। तो इसलिए ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत।